बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही जल्दी और झटपट से बन जाने वाला स्मोकी बीफ टिक्का मसाला बकरा स्पेशल। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उनमें है जी 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून नमक। नमक इसलिए कम लिया है कि हमने गोश्त को गला लिया हुआ तो नमक उसमें मैंने नमक डाला था, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ। 1 टीस्पून लिया है मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च। 1 टीस्पून लिया है मैंने पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी। गरम मसाले में लिए है मैंने 2 तेज पत्ते, 4 सब्ज वाली छोटी इलायची, 1 टीस्पून भर के सफेद जीरा भुना हुआ, 1 से 1.25 प्याली मैंने तकरीबन ली है टमाटर पेस्ट या टमाटर की आप प्यूरी ले लें। 1 प्याली तकरीबन 2 मीडियम साइज के मैंने जो है ना प्याज लेके उन्हें ब्राउन यानी फ्राई कर लिया है। 1 प्याली मैंने लिए है दही। 1 टीस्पून सब्ज मिर्च कुटी हुई, 1 टेबल स्पून 1 लहसुन का लिया मैंने पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैंने ली है अदरक की पेस्ट। साथ ही मैंने 1 किलो जो है ना बीफ का टिक्का बनवा के उसे मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाल के और 1 गिलास पानी डाल के उसे मैंने गला लिया। तकरीबन मैंने 80% इसको गला लिया, बाकी हम इसका मसाला बनाएंगे तो जो उसमें कसर रह जाती है वो उसमें गल जाएगा। अब हम चूल्हे की तरफ आते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। ऑयल लेके उसे मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है कढ़ाई में डाल के। अब मैं इसमें डालूंगी ये वाले सारे मसाले और इसको मैं फ्राई कर लूंगी। बस इलायची की हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो हम बाकी चीजें डालेंगे, हमने इनका कलर बहुत ज्यादा नहीं चेंज करना। अब इसमें जाएगा गला हुआ बीफ टिक्का। इसे मैंने बस हल्का सा फ्राई करना है, ये कि 2 से 3 मिनट बस मैं इसको हल्का सा फ्राई करूंगी। जो मैंने पेस्ट बनाई थी लहसुन अदरक और मिर्च की, ये मैं पेस्ट में शामिल करती हूँ। इसको बहुत ही हल्का सा मैंने फ्राई करना है इसमें, कि हमने इनका कलर चेंज नहीं करना था। ये मिक्स हो गया इसमें। अब मैं इसमें डालती हूँ बाकी तमाम मसाले। अब ये सारे मसाले इसमें जाएंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स करते हैं। बहुत जल्दी से बन जाएगा क्योंकि हमने गोश्त को ऑलरेडी पहले से ही गला लिया होगा। मैंने बीफ लिया है तकरीबन इसने 20 से 25 मिनट लिए हैं गलने में। आप चाहें तो मटन का भी बना सकते हैं और चिकन का भी बना सकते हैं। चिकन तो आपको पता है पहले से गलाने की जरूरत नहीं होती है, मटन को आप गला सकते हैं पहले से, लेकिन वो कम टाइम लेगा गलने में। अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई की हुई प्याज। आप चाहें तो प्याज अपने मसाले के हिसाब से ज्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें हमने लाल रेगुलर जो मिर्च है ना जो आम घर में हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने इसमें नहीं डाली। दही, कश्मीरी लाल मिर्च जो कि हम कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। टमाटर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी मेरे पास तकरीबन 1/2 कप जो है ना वो यखनी बची थी जो मैंने बीफ को गलाया था, वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अगर आपका यखनी नहीं बची तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे आके ना इसको मैं 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे, और जो गोश्त में कसर आएगी वो गल जाएगा और हमारा जो है ना बीफ तैयार हो जाएगा। इसको मैंने कवर कर दिया है, फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है, आपने हाई पे नहीं करना, मीडियम पे ये गल जाएगा तकरीबन 10 से 12 मिनट। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी मुझे इसकी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे मैं एक लेमन का इसमें जूस डालूंगी, एक मीडियम साइज का लेमन था उसका मैं जूस डालूंगी। इसे मिक्स करूंगी। अब मैं इसे कोयले की स्मोक देती हूँ। कोयला मैंने दूसरे चूल्हे पे पहले से ही जलने के लिए रख दिया था। फ्लेम बहुत मैं इसका लो पे कर देती हूँ। मैं ये फॉइल की मैंने कटोरी सी बनाई है ये रखूंगी, अगर आपके पास स्टील की है तो आप वो रख सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा कोयला। अब इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 2 कतरे ना कुकिंग ऑयल के, जिससे इसकी स्मोक जो है वो उठेगी। साथ इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 40
40-45 मिनट्स के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे आपकी पसंद है। 40 सेकंड्स हो गए हैं, फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। धुएं की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कोयले को मैं निकाल के ना इसे पानी लेके ठंडा कर दूंगी। आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा गर्म है। इसको मैं कवर करके चूल्हा मैंने कर दिया ओफ। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ 5 मिनट। बहुत ही मजेदार हमारा बकरे स्पेशल स्मोकी बीफ टिक्का प्लेटर रेडी हो गया है। इसमें देखिए मैंने सैलेड भी अरेंज किया, साथ इसे नान मैंने अरेंज किए हैं। आप चाहें तो पराठे के साथ भी इसको खा सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी मेरी आपको यकीनन पसंद आई होगी। इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।